इंडिया गठबंधन में, जो भी प्रधानमंत्री मोदी है, दो साल तो है अब उनके पास। मोदी जी इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बन के आए। हमारे पंडितों को कोई पैसा नहीं मिलता, मौलवियों को सारे पैसे मिलते हैं, क्यों? गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। ये कब हुआ? अगर आप हिंदू भूखा है, मुसलमान देख रहा है तो मुसलमान आधी रोटी ये खा रहा है तो आधी उसको देगा जरूर। अरे हारने वाले तो आज भी जय श्री राम का नारा गूंज के लगाते हैं और जीतने वाला कहता मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा। ये पता लग जाता है पार्टियों को कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, तो ये क्यों नहीं पता लगता कि 350 कितना RDX देश में आ रहा है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मेरे पाँव में चोट लगी हुई है। आप जिम्मेदार मोदी जी हैं। मोदी जी क्या है? दिल्ली की जनता ने वोट के चोट से भ्रष्टाचारियों को जवाब देने का काम किया। क्या चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, क्या बुराई है इसके अंदर? क्यों क्यों जिस और लोगों जहाँ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बना रखे हैं, तो अगर यहाँ हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? है तो हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है तो कहीं जाने वाली बात है कि हिंदू राष्ट्र। देखिए हिंदू राष्ट्र में अगर मुल्क को फायदा है तो जरूर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर वो जैसे कह रहे हैं कि हम आने वाले 47 तक कल को हम लोग इसको मुस्लिम कंट्री बना देंगे, मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, तो अगर वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की सोच सकते हैं तो हम हिंदू राष्ट्र के लिए क्यों नहीं सोच सकते हैं? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपको लग रहा है कि बन जाएगा? मैं ये नहीं कह सकता बन जी, सब ये पॉलिटिक्स चाल है, ये हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरी इच्छा पर्सनली, मैं किसी के बारे में नहीं कहता कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और होना चाहिए। मुस्लिम है वो भी बोलेंगे कि मुसलमान राष्ट्र होना चाहिए, सिख बोलेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान उनको दे दिया, अलग से पाकिस्तान दे दिया ना उनको, लग करके उनके लिए कंट्री दे दी, और फिर उनकी कैसे राष्ट्र, उनकी कैसे ये दोबारा मांग बनती है कि हम एक और मुस्लिम कंट्री बना दीजिएगा। बांग्लादेश बन गया, बंगाल की देखो अब क्या हालत है, वहाँ पर बिल्कुल तैयार बैठा है, केरला बिल्कुल तैयार बैठा है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर इससे फायदे क्या होंगे? फायदे यही है कि एक एटलीस्ट हिंदू राष्ट्र के अलावा सबसे बड़ी UCC आनी चाहिए, जिससे कि एक जैसा कानून हो सबके लिए। चलिए हिंदू राष्ट्र अभी भी तो सबके लिए एक ही जैसा कानून है, संविधान है। करती हैं आप कैसी है? या अगर आप जर्नलिस्ट है तो आपको मालूम होना चाहिए जैसा कानून कहाँ है। मोमडन्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए, उनके लिए पक्षधार ज़्यादा हैं, कांग्रेस है। जिसके अलावा आप अखिलेश यादव को देखें, आज भी वोट जीते हैं तो वो मुस्लिम के बेस पर ही वोट जीते हैं, नहीं अपनी जाति के वोट पर जीते हैं, आप समझो। सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे अगर हिंदू के लिए है तो मुस्लिम के लिए भी एक हो, सिखों को, सारी कम्युनिटीज के लिए एक कानून है और मुस्लिम्स के लिए एक अलग कानून है। मुस्लिम के लिए अलग एक कानून क्यों है, जबकि सारी पार्टीज उनके वोट के लिए उनको पक्षधार कर उनकी पक्ष लेती है। अब जैसे केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दे दिया, जो हजारों बारी तुम्हारी रीलों में सुनते हैं, कर्नाटका की बात सुनी है? नहीं नहीं, अभी रिसेंटली 10 करोड़ रुपए बॉम्बे के अंदर उसने दिए हैं, जो उसका CM है शिंदे ने कल दिया है वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया डिलीवर कर दिया इमीडिएटली, 8 करोड़ रुपया देना है इसके लिए, वहाँ ऑब्जेक्शन हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली दिल्ली में 100 करोड़ रुपया। आप ये चाह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी आए तो वक्फ बोर्ड को बंद किया जाए? आ गए, मैं कहता हूँ बंद करना चाहिए 101%, बंद करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की इतनी जमीनें कब्जाई हुई हैं, इतनी जमीनें, इतना पैसा है उनके पास, किस लिए? जब कानून हो तो सबके लिए एक जैसा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारे पंडितों को कोई पैसा नहीं मिलता, मौलवियों को सारे पैसे मिलते हैं, क्यों? पंडितों को पैसे नहीं मिलते? कहाँ मिलते हैं? मौलवियों के पंडितों के घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, तिरुपति बालाजी में। छोटे मोटे पंडितों के बारे में, छोटे छोटे मौलवियों को पैसे मिलते हैं, हज के लिए पैसे मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती हैं, काहे के लिए? हमारे हिंदू इतने बेचारे जा रहे हैं वहाँ पे, उनको कुछ सब्सिडीज नहीं मिलती है, क्या चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखिए देश ये आपको पता है 140 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ, यहाँ को ये तो है नहीं हिंदू समुदाय रहता है, हर तरीके के हर धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए इसे धर्म निर्वेश देश कहा जाता है। तो ये गलत है और इन्हीं बयानबाजी की वजह से आज BJP 240 सीट पर रुक गई देश के अंदर। बाबू जी की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मैं नहीं चाहता। पिछले 10 सालों से अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ देश के अंदर राजनीति कर रही थी, तो बहुत अच्छे अच्छे फैसले ये देश के लिए ले सकते थे, चाहे UCC हो मैडम, चाहे UCC हो, NRC हो, सिर्फ BJP के बड़े नेता जितने भी थे इन्होंने अपने बयानबाजी दी और कहानी ख़त्म करी। जब 10 साल के अंदर इनके पास 352 सीटें NDA की साथ सरकार बना रखी थी, जब इन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं की और भी बहुत बड़े बिल लाने थे वो नहीं लाए, तो अब तो सरकार बहुत कमज़ोर हो चुकी है।
अब कहाँ से बिल लाया जाए? अब तो कोई भी आप बिल पेश करोगे उस पर झगड़ा होना है संसद के अंदर। बताइए आप भाई, अगर ये काम होता तो ये पहले ही करना था मोदी जी को। मैंने अपनी आंखों से देखी चीज़ें। आज उत्तराखंड के अंदर देहरादून में नाम मात्र 1% मोमडन होते थे, आज आपको मालूम है 45% मोमडन है। 45% उनकी पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कि हम लोगों के हक छीने जा रहे हैं, हम लोगों की काम खत्म। कैसे पता चलेगा कि सिर्फ उनके हिंदुओं की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, ये कैसे पता? जर्नलिस्ट साहब बैठे, आपको पता होगा कि टीवी में सुरेश सुधीर चौधरी इतना बोलता है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कुछ परसेंटेज कम हुई है, 8% तक कम हुई है आजाद होने से लेकर अब तक, और उनकी 14% बढ़ी है। इसके लिए जातिगत जनगणना, उनकी 14% बढ़ी, जातिगत जनगणना उनकी 14% बढ़ी। हाँ परसेप्शन, हाँ एक सेकंड, परसेप्शन जो आप बता रहे कि सुधीर चौधरी बोलते हैं, वो डेटा कहाँ से लाए? वो डेटा आप लोगों ने उनसे पास सारी चीजें, इसके लिए जातिगत अपना डेटा नहीं है सुधीर चौधरी के पास। जनसंख्या जो रोकने की जो कानून है वो क्यों नहीं है आपको सरकार ला रही? कह रहे हैं करना चाहिए। इंदिरा के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत अच्छा काम करा, जबरन नसबंदी जब आई थी लोगों को बड़ा सुकून मिला था, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब देश में इमरजेंसी आई तो। लेकिन मैं कहता हूँ जब कोई अच्छा नेता देश में आता है, एक मिनट सर, जब कोई अच्छा नेता देश में आता है तो देश की जनता उसका विरोध करती है। इंदिरा जी इमरजेंसी लाई देश के अंदर, उनकी 2 सीटें रह गई, सत्ता गिर गई। रीजन मैं चाहता हूँ तो बड़े फैसले ले, नसबंदी कराना कहाँ से सही? नहीं इमरजेंसी, हाँ वो गलत है, लेकिन बट उस टाइम पे जो सरकार ने सोचा, कुछ सोचा ही होगा देश के लिए इंदिरा जी ने। बुरी चीज़ में आपने इमरजेंसी देखी नहीं, मैंने देखी है। मेरी तो पैदाई 1999। मैं वही बता रहा हूँ, मेरा कहने से मतलब 75 में इमरजेंसी थी वो गलत थी, सही नहीं थी। बहुत लोगों का शोषण हुआ, बहुत लोगों को उठाया गया, मारा गया, और उनको उस चीज को लेके आप आज तक उस चीज को लेके विरोध कर रहे हैं? बेटा आपको ये पता ही नहीं है, उन्होंने नसबंदी संजय गांधी ने शुरू की थी, लोगों का क्या बुरा हाल किया था संजय गांधी के अलावा। इसके अंदर मोदी जी को ऐसा फैसला लेते हैं तो क्या देश की जनता उसे स्वीकार करेगी? नोटबंदी हुआ, अभी हुआ ना, हुआ था, नोटबंदी में भी लोगों की बहुत हालत बुरी थी, लेकिन अचानक सडनली, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए, नहीं है करी नसबंदी, मोदी जी ने करी नोटबंदी। अच्छा आप मुझे ये बताइए, नोट आपने बहुत मतलब कांग्रेस सरकार के बारे में बोला, लेकिन वही चीज जब मोदी सरकार करती है कि जब नोटबंदी बिना कहे हुए करवा दिया गया, किसी को मालूम भी नहीं था कि नोटबंदी जैसी चीजें आने वाली, ना संसद में कुछ पेश हुआ। मैं आपकी बात जवाब देता हूँ, उसको रीजन मालूम, नोटबंदी होने से हिंदुस्तान मुल्क को क्या फायदा हुआ, एक राष्ट्रवाद को क्या फायदा हुआ, राष्ट्र गरीबों को कितना नुकसान हुआ सर आपको मालूम है? कितने बेटी के बाप ने शादी नहीं कर पाई अपनी बेटी, सबकी शादी हुई, किसी की शादी नहीं रुकी, पता ही नहीं। डिले हो सकती है, मेरे को मालूम है। तो मैंने एक ऐसे सज्जन आदमी देखे, वो बुलेट लेके, वो बुलेट लेके आते हैं पेट्रोल पंप पे, और वो कहते हैं, मैं कहता हूँ सरकार 2000 रुपये लीटर पेट्रोल करे, 2000 रुपये लीटर। तो उनसे किसी ने पूछा, सर ऐसा क्यों कह रहे हो, फिर देश के अंदर किस तरह से वाहन चलाएंगे लोग? के नहीं, सिर्फ पैसे वाला आदमी गाड़ी पे चलेगा, ये हमारी शान के खिलाफ है। तो ऐसे लोग जब देश के अंदर ऐसी मानसिकता के लोग होंगे तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाएगा। 2000 रुपये लीटर तेल होना वो तो खैर गलत है, वो तो इंसानियत एक चीज ही गलत है, महंगाई इतनी नहीं, पर महंगाई हमेशा हर साल बढ़ती है। कांग्रेस की चीजें देखती है, भाजपा की क्यों नहीं दिखती? हाँ जी, भाजपा की चीजें आपको क्यों नहीं दिखती? भाजपा की चीजें क्यों नहीं दिखती है, मतलब उनकी बुराइयां, अगर वो गलत काम करेंगे तो उनकी बुराई है वो दिखेगी। हम कहेंगे मामा हमला जो हुआ उसका अपराधी या कोई क्यों नहीं पकड़ा गया? अभी जो लास्ट में जो पहले अभी कहाँ हुआ, एक ही बार हुआ ना, उसका बदला लिए तो लिया एक बार, बदला मैटर नहीं करता, लोग जनता को पता चलना चाहिए आखिर वो आरडीएक्स आया कहाँ। ऐसे इतने डीजीपी थे उस टाइम में, वो उन्होंने भी अपना वो दिया था स्टेटमेंट पुलवामा हमला होने के बाद भी, के वो भी मिले हुए थे। अब जब देश की सुरक्षा एजेंसियां ही, हाँ आया था, हमने खुद देखा था डीजीपी के भाई डीजीपी को जो है क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कराया, सवाल करें, ये पता लग जाता है पार्टियों को कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, तो ये क्यों नहीं पता लगता कि 350 कितना आरडीएक्स देश में आ रहा है? ये तो बहुत सोचने वाली। अगर मैं अपने घर का चौकीदार हूँ और अगर मेरे घर में ये नहीं पता कि मेरे घर में कौन क्या रखे जा रहा है तो मेरी लापरवाही है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ हमारे देश के इतने मजबूत गृह मंत्री, इतने मजबूत माननीय प्रधानमंत्री जी, 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को ख़त्म करो भाई, वो हमें परेशान कर रहा है ना। रशिया क्या करता है, अमेरिका क्या करता है, जो उसके रास्ते में आता कांटा बोता है तुरंत उस पर एक्शन लेता है, सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? वो तो चुपचाप फ्लाइट से लाहौर निकल जाते हैं,
तो मैं कहना चाहता हूँ हमारी देश की जो सरकार है इस टाइम, मजबूत सरकार पहले थी, अब तो कमजोर हो चुकी है, मजबूर की सरकार है, तो मोदी जी को बहुत बड़े फैसले करने थी। मजबूत सरकार है 2019 में, देखिए 352 सीटें एनडीए के पास थी, 2014 में लोगों ने बहुत मजबूर अच्छा होने का क्या वजह, अब मजबूर है ना, 240 है अपने पास। किस वजह से आपको लग रही थी? चाचा है उनका, पता नहीं कब पलट जाए। नीतीश और वो उड़ीसा के हैं, वो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हज पे 1 लाख रुपए सब्सिडी दो, कैसे बात बनेगी? आपको क्या लगता है किन मुद्दों की वजह से भाजपा इतना पीछे रह गई या अयोध्या हार गई? देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे ना, उनकी बयानबाजी थी, वो क्या थी कि उन्होंने कहा कि भाई देश का संविधान बदल देंगे, ये बहुत अहम मुद्दा रहा देश के अंदर, और जो जनता के मेन मुद्दे थे उन्हें हटा दिया गया, और सिर्फ बात क्या हुई कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपको देश के अंदर फला पार्टी आ गई। तो अरे जब 10 साल से आप हो, आप मजबूत से हो, और देश की जनता आपको जो है पूरा विश्वास और समर्थन कर रही है 10 साल से, तो आपने क्यों बड़े फैसले नहीं लिए? इसका मतलब फिर भी आपने कहीं ना कहीं कमी रख दी, और जनता ने आपको दिखा दिया। फिर जब आप जनता के हित की बात नहीं करोगे, हिंदुओं को लेके कह रहे हैं कि हिंदू गद्दार साबित हो, गलत है। इस देश का हिंदू बहुत ईमानदार है और हमेशा ईमानदार सरकार को चुनता है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनकी गलत मानसिकता है। क्या कहेंगे, अयोध्या से भाजपा हार गई, कैसा लग रहा है? सम्मान करते हैं, हार गए, जनादेश का सम्मान है, जनादेश का अपमान थोड़ी करेंगे। अरे भाई, हम लोग जनादेश का अपमान करने वाले थोड़ी हैं, देश के संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हैं, जनादेश का सम्मान करते हैं, ईवीएम का भी सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। लेकिन हमें अयोध्या से हारे हैं, हम अमेठी से हारे हैं, वहीं डटे रहेंगे, वहीं टिके रहेंगे। अरे हारने वाले तो आज भी जय श्री राम का नारा गूंज के लगाते हैं, और जीतने वाला कहता मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा, जय श्री राम हम आज भी हार कर बोल रहे हैं, वो जीत कर भी नहीं बोल रहे। उनका घमंड देखिए 99 वालों का, अरे साहब 99 वालों का घमंड देखिए, और 240 वाले आज 240 क्यों आई, इसके ऊपर आत्ममंथन करते हैं, इसके ऊपर चिंतन करते हैं, और ये लोग कहते हैं लोकतंत्र मोदी ने ख़त्म कर दिया। वाह अरे भैया, आप 99 आए तो आपने चिंतन नहीं किया, 240 वाले ने चिंतन शुरू कर दिया और कहते हैं लोकतंत्र ख़त्म कर दिया। चलिए मैं बोलूँ, मान लीजिए 400 पार के नारे विफल हो गए, थोड़ा तो सोचिए कि क्या गलती रह गई, क्या गलती रह गई जो 400 से सीधे यहाँ आ गए? यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, 400 पार का नारा हमने दिया, 400 का लक्ष्य मोदी जी ने रखा। एक बात बताइए, जब कोई बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देने जाता है बोर्ड के अंदर, वो पूरे साल मेहनत करता है, हर एक टर्म्स को याद करता है, हर एक क्वेश्चन को रटने का काम करता है, उसको रिविजन करने का काम करता है, और जब वो एग्जाम में जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे 600 में से 500 अंक चाहिए, क्योंकि मैडम वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसने साल भर मेहनत किया है। और जिसने मेहनत ना किया हो, जो डफर स्टूडेंट हो, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो तो बस यही सोचता है कि हमें ग्रेस मार्क मिल जाए साहब, हमें कंपार्टमेंट मिल जाए साहब, सुन लीजिए माइक मत हटाइएगा, हमें कंपार्टमेंट मिल जाए साहब, अरे किसी तरह नकल वकल मिल जाए, कम से कम एक क्वेश्चन भी तुक्का लग जाए, वो तुक्का लगने के बाद भी हम कम से कम पास हो जाए, सुन लीजिए। और मोदी जी तो उसी तरह ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उन्होंने 10 साल देश को सींचने का काम किया, विकास करने का काम किया, और इसीलिए मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा 400 पार का। उनका लक्ष्य देखिए 400 से 200 से 250 से भी आगे नहीं। और सुनिए, 400 से 250 गलत बोलिए 240 400 से 240 अकेले भाजपा है, और जिनका कोई लक्ष्य नहीं था, जिन्होंने कोई लक्ष्य तय नहीं कर रखा था, वो 99 पे आके जश्न मना रहे थे, हार का जश्न पहली बार मनते देश ने देखा है। और पहले दिन तो कह रहे थे लोकतंत्र बच गया। देखिए भाजपा के समर्थक है, आप मुद्दे की बात कीजिए, उनको आप पहले भी रेलते थे और आज भी रेलेंगे, वो छोड़िए वो हमें पता है, बस आप ये बताइए कहाँ गलती रह गई है। हाँ ये भी कुछ पूछना। देखिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि अकेले मोदी जी के अकेले सही होने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ हम लोगों को भी सही होना पड़ेगा, और उसके बाद सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे देश में राजनीतिज्ञ जितने भी लोग हैं सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, समाज के लिए कोई नहीं सोचता है। और इन लोगों ने जो भी किया है पिछले 15-20 सालों से, ये लोग एमसीडी में दिल्ली में
बीजेपी की सरकार के सांसद और यही लोग थे, और दिल्ली में इन लोगों ने 15-20 सालों में कुछ नहीं किया। कौन लोगों ने? बीजेपी के शासन में जो लोग थे उन्होंने कुछ नहीं किया। आप ये बताइए, मैं दिल्ली में रहता हूँ इतने सालों से और मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मेरे पाँव में चोट लगी हुई है। आप जिम्मेदार मोदी जी हैं। मोदी जी क्या है, इनके जिम्मेदार भ्रष्ट नेता हैं। हम लोगों को अस्पताल और किसी भी जगह ना ही तो इलाज मिलता है। दिल्ली की सरकार नहीं है, दिल्ली की सरकार की बात नहीं है। हम लोग अभी हमने वोट, दिल्ली वालों ने भी सरकार को केंद्र बनाने के लिए वोट दिया है, तो यानी कि हमारी भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। आपका मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि हम दिल्ली वाले हैं तो हम लोगों को दिल्ली केंद्र सरकार संभालेगी, मतलब हमें केजरीवाल संभालेगा। जब MCD में थी भाजपा ने कुछ काम नहीं किया, इसका जवाब आप देंगे? भाजपा के कट्टर फैन है। बिल्कुल कट्टर फैन है भैया मोदी जी के। अभी पहले मैडम कुछ और सवाल कर रही थी, अब इस पे आते हैं दिल्ली के शासन पे। इस पे भी वो भी आएंगे, वो जोड़ा हुआ है कि इतना पीछे कैसे रह गए। कोई बात नहीं, देखिए कम से कम चच्चा पलटी नहीं मारते, ये पता चल गया चच्चा पलटी नहीं मारते। इसके बाद देखिए हमारे साहब ने बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे भाइयों ने ही पूरी दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता ने वोट के चोट से भ्रष्टाचारियों को जवाब देने का काम किया। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया था जब लोकतंत्र खतरे से बाहर हो गया। मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने बचा बिल, अरे वही तो कह रहे थे बाहर कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया, आज लोकतंत्र बच गया। जब वो जेल से बाहर आए उसके बाद वो क्या कहते थे हर एक रैलियों में, अगर आपको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बचाया? मैडम यह तो मेरी सुनो, एक बात बताइए, उन्होंने ही तो कहा कि भाजपा वाले मुझे जेल में डाल देते, वो तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। आपको लगता है? अरे मैडम वो मेरा थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट किसी एक का है, आपको लगता को मैं कोर्ट कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी के बयान को। मैं पूछ रही हूँ 400 से इतने पे कैसे आए 250 पे, आप इसका जवाब दीजिए। हाँ 400 से 250 पे आ गए, फिर मैंने वही आपको एग्जाम्पल दिया पूरा ब्रिलियंट और डफर का, लेकिन आप समझ नहीं पाई। 240 सीट अकेले भाजपा की है, 100 साल वाली पार्टी जो 100 साल पुरानी पार्टी है, 100 का आंकड़ा नहीं छुपाती खटाखट खटाखट वाला फॉर्म भरवाने के बाद। अरे उन्हें तो जनता ने भाजपा को चुना, 10 साल से भाजपा थी, उम्मीद भाजपा से है, अयोध्या हारा, ये सारी तमाम हजार मैडम 2014 में भी कल सत्ता में थे, 2019 में भी सत्ता में थे, 2024 में भी सत्ता में है, तो यही तो है लोकतंत्र की खूबसूरती। हमें जनता ने चुनकर भेजा है, जनता के जनादेश को का अपमान कोई कर नहीं सकता, ये मोदी जी का मैंडेट है मैडम। अब मैं ये कह रहा था जैसे कंगना आई है ना, वो कुछ कर सकती है भाई, जीती भी है वहाँ से मंडी से, तो कुछ कर देगी, मतलब क्या कर देगी? कर देगी कुछ ना कुछ, मतलब लोगों को सही करेगी। या करवाना क्या चाहते हैं कंगना से? कंगना से जैसे शराब बंद कर दें, क्यों उसको देखेंगे लोग शराब पीना, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। शराब तो बिहार में भी बंद हो गया, लेकिन दिल्ली में। अच्छा मंडी में जीती है तो दिल्ली में कैसे बंद करवा दे? मतलब पहले मंडी में होगी फिर इधर भी हो जाएगी, एक मुद्दा होता है ना हर चीज का, एक कहते हैं ना। तो और नहीं कंगना से ये उम्मीद करते कि शराब बंद करवा? हाँ ठेके सारे बंद करा देगी, जैसे वो गाना नहीं है और नहीं बस और नहीं गम के प्याले और नहीं। क्या कहेंगे ये कह रहे कंगना को दारू बंद करा? देखिए अंकल जी का अपना मत है, हो सकता है इनके मुंह में घी शक्कर, अगर बंद हो जाए तो क्या दिक्कत है, होना चाहिए बंद। हमारा कहना ये प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन में जो आया वही प्रधानमंत्री 2 साल के लिए है, इंडिया गठबंधन में जो मोदी अभी इस टाइम आया है प्रधानमंत्री बन के, इंडिया गठबंधन में जो प्रधानमंत्री मोदी है 2 साल थे आप उनके पास। मोदी जी इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बन के आए? हाँ अबे हाँ, नशे में क्या केजरीवाल तो 2 तारीख को जेल में पहुंच गया, केजरीवाल तो गांजे भी रखा है तोड़ लाए। इनके हिसाब से इंडिया गठबंधन से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए? हम ये चाहते हैं मोदी प्रधानमंत्री है। वो किस पार्टी से है? बीजेपी से। वो इंडिया गठबंधन से आए? हाँ इंडिया गठबंधन से आए इस बार। पहली बात तो दूर क्या हो रहा है, युवाओं की खुशी देख लीजिए, मोदी के प्रति सम्मान है ये मोदी जी के प्रति सम्मान है। उनको पता है कि इंडिया का नेता अगर कोई है तो मोदी है। अरे इंडिया नाम रख लेने से कोई पार्टी 400 का आंकड़ा नहीं छू लेती, लेकिन इनको पता है इंडिया को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है, इंडिया को बढ़ाने की क्षमता किसी में तो केवल मोदी जी में। कांग्रेस के पास तो 55 टायर है, वो तो सिंगल टायर पे चले गए अब नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस के पास 55 टायर और क्या, मोदी जी के पास एक ही टायर है, उसी से वो चल और क्या चलेंगे, चलते रहेंगे। और
कब तक चलेंगे? हैं? जब तक जिएंगे जब तक। क्या कहोगे भाई जी? हमारा कहने का मतलब, हमारे जिला रायबरेली से हम हैं, लखनऊ के आगे थोड़ा रायबरेली से जी। वहाँ पे योगी बाबा का जब से सरकार बनी है, ना गेहूँ की फसल हो पाती है, ना गेहूँ चावल, ना कोई फसल नहीं हो पाती। योगी बाबा काट लेते हैं क्यों? नहीं, योगी बाबा के जो माता जी हैं, माता जी हैं गौ माता, ये अखिलेश की सरकार में उतनी नहीं थी, आदमी को बांट दिया गया था। वो माता है या वो सांड है? अरे सांड हो, क्लियर कर लो। सांड है, गौ माता भी है, दोनों। काय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। ये क्या बोलिए? काय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। ये कब हुआ? है? कब हुआ? बैल बाप कब हुआ? कब हुआ? उठा के देखो, यही मिले। औरत का मर्द कैसे हुआ? वो ही वैसे वैसे ही बैल हुआ। हाँ तो वहाँ पे कह जाते नील गाय उत्पात मचाती है, गाय ने। जी हमारे कहने का मतलब, योगी बाबा से इतना है गुजारिश, जो तार बंधा था अखिलेश की सरकार में, वही तार फिर बांध दिया जाए। योगी बाबा का कहने का मतलब ये हो जाए, ये सरकार कह दे एक बार, जो तार खुला था काटा वाला, वो तार बांध दिया जाए। और जो जानवर घूम गाय जाते घूमती, लील गाय नहीं, ये गाय घूम रही, गाय बछिया पड़िया ये सब घूम रहे हैं। हाँ, गाय का बच्चा ये लोग घूम रहे हैं। कोई फसल नहीं हो पाती जी, कोई फसल नहीं हो पाता। तो इसके लिए मोदी मतलब सॉरी योगी जी को आप कहना चाहते हैं कि गाय को बंधवा दिया जाए? जी बांध दिया जाए ना, तो किसी को दान दे दिया जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आपको दिखता है आप ही अपने घर में बांध के रख लीजिए। हम कितना बांधे, पांच जानवर हैं, अकेले माता जी हमारी कितनी बांधेंगे भाई। शिकायत कीजिए। शिकायत किसको कीजिए? जिला अधिकारी को जाके। कोई नहीं शिकायत सुनता। क्या कहता है? कोई नहीं लेता, भगाते हैं। चलो अभी तुम्हारा टाइम नहीं, चलो 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 यहाँ से। अच्छा ऐसे भगा? हाँ जी भगा देते हैं। ये बताइए, योगी जी के सरकार में कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है लगभग। हाँ ये गुंडागर्दी तो खत्म हो चुकी है। अब देखो ये अभी हम राजा भैया के वहाँ पे गए थे तो आराम से चले गए थे, जब अखिलेश की सरकार थी तो पहले परमिशन लो फिर जाओ, तीन दिन के बाद आना, फिर तीन दिन के बाद जाओ तो पूरा ऊपर से नीचे तक जेब चेक होता है। अब अभी कुछ नहीं, खाली पॉकेट चेक करो, राजा भैया के पास जा सकते हैं आप। अच्छा, मतलब कुल मिला के योगी जी के सरकार में सब कुछ ठीक है, एक नील गाय वाली थी। हाँ बस यही एक समस्या है जी। मुसलमानों के साथ कोई जाती तो नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, हिंदू मुसलमान में कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहते बुलडोजर ज्यादा मुसलमानों के यहाँ चलता है? नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। योगी बाबा की जय है मतलब? जी नहीं, किसी की जय नहीं है, हमारे कहने का मतलब कोई भी हो जैसे करेगा वैसे पाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे मुसलमान हो। अगर आप हिंदू भूखा है, मुसलमान देख रहा है तो मुसलमान आधी रोटी खा रहा है तो आधी उसको देगा जरूर। हिंदू देख रहा है तो, हिंदू खा रहा है तो, मुसलमान भूखा है तो वो भी देगा। कुल मिला के यूपी की हालत ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, हमारी बातचीत पे आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलता है फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।